मिशन 2023 को लेकर यूथ कांग्रेस संगठन के द्वारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा बैठक लेने के लिए मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मानसिंह सागर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 बत्ती स्थित कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के जिला संगठन की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए अभियान के अंतर्गत अब तक हुई गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही संगठनात्मक स्तर पर कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता के बीच पहुंचा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी टिकट वितरण में तवज्जो मिले। जिला संगठन की निष्क्रिय पड़ी इकाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेंगे उनके स्थान पर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप मौका दिया जाएगा। मेरा नाम मान सिंह राठौड़ है और मैं राजस्थान से हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय यूथ कांग्रेस में, और मुझे यहाँ भोपाल जोन के 14 जिलों की यूथ कांग्रेस के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। आज मेरा यह समीक्षा बैठक करने का उद्देश्य ये है कि आगामी इस साल के अंत में आपके इस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव में युवक कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक पदाधिकारी की क्या जिम्मेदारी हो, क्या उसकी भूमिका हो, उसके लेके आज ये यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया पार्टी के द्वारा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा यह अभियान पिछले कुछ माह से चलाया जा रहा है, उसकी समीक्षा बैठक है। और आगामी दिनों में भाजपा की जो ये कुनीतियाँ है, बेरोजगारी है, महंगाई को, एक एक हमारे युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर आकर संघर्ष करेगा और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाएगा, इसके लिए आज ये बैठक रखी गई है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि 2023 आने वाला है, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए क्या प्रयास होंगे? आगामी कुछ दिनों में जिलों में जाके, विधानसभा में जाके युवक कांग्रेस के जो हमारे अच्छे साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके बारे में ग्रासरूट लेवल पर जाके सर्वे किया जाएगा और जो उसकी रिपोर्ट पार्टी को दी जाएगी, आलाकमान जो निर्णय करेगा उसके साथ पूरा युवक कांग्रेस संगठन खड़ा है। जिला स्तर की बात करी जाए तो जिला वार्डी अभी भी कई क्षेत्र में कमजोर स्थिति में है, वहाँ पर संगठन के साथ ही काम नहीं कर रहे हैं, कहीं संगठन के साथ ही नहीं, ऐसी स्थिति में आप कितनी मजबूती से दावा कर सकते हैं कि सरकार में ये लोग हैं? जी, मेरी प्रथम बैठक है, अभी मैं ये खुद भी नहीं कह सकता कि कौन निष्क्रिय कौन सक्रिय है। आगामी दिनों में सबकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको पार्टी के अंदर पद भी दिया जाएगा, और कुछ यदि निष्क्रिय यदि साथी भी है हमारे परिवार के, उनको सूचित किया जाएगा। बार बार सूचित करने के बाद भी यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की संगठन में सक्रियता नहीं है तो एक बार उनको घर भी बैठाया जाएगा।